नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, मैं आपके साथ सुधा शाह। तो चलिए अब बात करेंगे चीन और जापान के बीच द्वीप को लेकर उठ रहे विवाद पर। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। चीन अपनी सेना के दम पर आंखें दिखा रहा है। भारत ही नहीं, उसका सीमा विवाद जापान के साथ भी है। जापान ने हाल ही में टोनोशिरो द्वीप समूह का नाम बदलकर टोनोशिरो सेनकाकू कर दिया है। इन द्वीपों पर जापान का कब्जा है, हालांकि चीन इन्हें अपना बताता है। अब चीन ने जापान को सीधी धमकी दी है। दरअसल चीन और जापान दोनों ही कुछ निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है, लेकिन चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। सेनकाकू या डियाओस द्वीपों की रखवाली वर्तमान समय में जापानी नौसेना करती है। ऐसी स्थिति में अगर चीन इन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे जापान से युद्ध लड़ना होगा। गौरतलब है कि यदि जापान और चीन के बीच हालातों के मद्देनजर कोई ऐसा युद्ध होता है तो ये तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाले चीन के लिए आसान नहीं होगा। पिछले हफ्ते भी चीनी सरकार के कई जहाज इस द्वीप के नजदीक पहुंच गए थे, जिसके बाद दोनों देशों में टकराव की आशंका भी बढ़ गई थी। द्वीपों के पास चीन की बढ़ती उपस्थिति के जवाब में जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा ने इन द्वीपों को लेकर टोक्यो के संकल्प को फिर से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेनकाकू द्वीप उनके नियंत्रण में है और निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये जापान का ही है। अगर चीन कोई हरकत करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। वहीं चीन ने जापान पर पलटवार करते हुए लिखा कि डियाओस और उससे लगे हुए अन्य द्वीप चीन का अभिन्न हिस्सा है, इस कारण से ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इन द्वीपों के पास पेट्रोलिंग और चीनी कानूनों को लागू किया जाएगा। बता दे कि अगर किसी भी मामले के मद्देनजर जापान और चीन आमने सामने आए तो अमेरिका इसमें जरूर शामिल होगा, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच 1951 में सैन फ्रांसिस्को संधि हुई थी, जिसके तहत जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।